गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर इफ वी ऑब्जर्व सम शुगर सॉइल प्लेस्ड ऑन अ टू डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी विल फाइंड आउट दैट द कलर शेप एंड साइज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर द सेम बट द दॉयल कंटेन पार्टिकल ऑफ़ डिफरेंट कलर शेप एंड साइज जब हम मिट्टी को और चीनी को दोनों को ऑब्जर्व करते हैं हम क्या देखते हैं चीनी के सभी पार्टिकल की शेप साइज एक जैसी है बट मिट्टी के पार्टिकल एक जैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल द सॉयल कंटेन क्ले पार्टिकल सम ग्रास पार्टिकल एंड इवन सम डेड इंसेक्ट्स एक्स्ट्रा नाउ शुगर विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड प्योर सब्सटांस वेयर एज सॉयल विच कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड आर कॉल्ड इम प्योर सब्सटांस जो सेम टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं प्योर सबस्टांस जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं इम प्योर फॉर दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड मैटर अराउंड द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटांसिज वी विल नाउ डिस्कस प्योर सबस्टांसिज एंड मिक्सचर इन लिटल मोर्डर टेल प्योर सबस्टांस एलिमेंट इंड कंपाउंड प्योर सबस्टांस इज अ वन विच इज मेड अपनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल जो एक ही कहीं के पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं ऑल द एलिमेंट्स इन कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कार्बन सल्फर आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड मर्करी एंड सिलिगन आर प्योर सब्सटेंसेस। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड शुगर कॉपर सल्फेट एल्योमियम कैम्फर नेपथोलिन ऑल्सो प्योर सब्सटांज ये सारे क्या है प्योर सब्सटांस प्योर सब्सटांसिस नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्योर सब्सटांसिस की अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू आर मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इम मिक्सचर कंटेन टू आर मोर प्योर सबस्टांसिज मिक्स टूगेदर फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन मिल्क सी पाउड सी वाटर ए आई शुगर कैन जूस वुड सॉयल ब्रिक जैगरी रॉक मिनरल पेट्रोलियम एल पी जी बायोगैस टैप वाटर टी कॉफी ये सारे क्या हैं बेटा इम प्योर सब्सटांसिस हैं नेक्स्ट है ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल थ्री जनरल क्लासेस एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर मैटर प्योर सब्सटेंस मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड आते हैं मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है इसमें होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स में जो एलिमेंट है इसमें फर्दर क्या आते हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स नेक्स्ट है एलिमेंट्स क्या होते हैं एन एलिमेंट इज अ अबस्टांस विच कैन नॉट बी सप्लेट्स अप इन टू टू आर मोर सिंपलर सबस्टांसिस बाय द यूजल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट हाई लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम सिंपलर में नहीं तोड़ सकते उसको एलिमेंट बोलते हैं जैसे कॉपर हो गया आयरन हो गया ये सारे के सारे क्या हैं बेटा एलिमेंट एवरी सबस्टांस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन आर मोर दीज एलिमेंट्स ठीक है इसलिए हमें सारी चीज़ें कहते हैं एक एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिल बनी होती हैं एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते गैस भी हो सकते हैं सोडियम कार्बन एलिमेंट एंड मरकरी एंड द ब्रोमिन एलिमेंट्स आर लिक्विड वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट आर गैस एट द टेम्परेचर इन मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं सॉलिड एलिमेंट मरकरी और ब्रामिन है जो ये दो ही हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है जस्ट एज ट्वेंटी सिक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कम्बाइन वेरियस डिफरेंट वेज टू मेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेम वे फ्यू एलिमेंट कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट्स अब आगे एलिमेंट्स थ्री टाइप के होते हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स मेटल क्या होती हैं ये मेटल इज एन एलिमेंट दैट मेलेबल एंड डकटाइल एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स आर मेलेबल मतलब मेटल्स को हम किसी भी उसकी शीट्स बना सकते हैं एल्यूमिनियम फॉयल आई यूज टू पैकिंग फूड आइटम्स एंड लाइक बिस्किट्स चॉकलेट मेडिसिन सिगरेट एक्सट्रा दिस मीन्स डेट मेटल कैन बी बिटन इंटू थिन शीट्स बाई हैमर ठीक है मेटल आर डकटाइल मेटल दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इसको बोलते हैं डक्टालाटी कर डक्टाइल इज अनदर अदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसे सिल्वर है वेस्ट कंडक्टर है हीट का बट कॉस्टली uh, होने के कारण चीपर कॉपर का यूज़ करते हैं कॉपर एंड एलुमिनियम आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी द कुकिंग यूटेंसिल्स आर वाटर बॉयलर्स आर यूजली अप ऑफ कॉपर एंड एलूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम मेटल बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश मेटल शाइन करती है और उनके सर्फेस को दोबारा से पॉलिश किया जा सकता है मेटल आर जनरली हार्ड मेटल हार्ड होती हैं ठीक है सिर्फ़ पोटाशियम और सोडियम को छोड़ के ठीक मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल स्ट्रॉग होती हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, है. है इसीलिए इनके क्या बनाए जाते हैं ब्रिजेस बनाए जाते हैं बिल्डिंग बनाए जाते हैं रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर ओनली वन मेटल मारकर इज लिकुड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग इन बॉयलिंग पॉइंट सॉलिड होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉयंग पॉइंट हाई होता है सोडियम एंड पोटाशियम हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट मेटल है हाई डेंसिटी इनकी डेंसिटी भी क्या होती है हाई होती है सोडियम और पोटाशियम की डेंसिटी कम होती है मेटल्स आर सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है जैसे बेल बनाई जाती है स्कूलों में घंटियाँ बजती हैं वो मेटल की बनाई जाती है क्यों क्योंकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है जब हम उसको हिट करते हैं मेटल यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर मेटल का यूजली सिल्वर और ग्रे ग्रे कलर होता है नेक्स्ट है नॉन मेटल नॉन मेटल इज अ एलिमेंट दैट नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी उसको हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल और नॉन ब्रिटल मेटल नॉन मेटल्स आर नॉन्टाइल ना इसकी तारे बनाई जा सकते हैं ना शीट्स बनाए जा सकते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट ग्रेफाइड ग्रेफाइड कंडक्टर होता है मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड डल अपेयरेंस सिर्फ रोमिन को छोड़ के बाकी सारी नॉन मेटल की डल अपेयरेंस होती है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट सिर्फ डायमंड को छोड़ के बाकी सारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं सॉफ्ट होती हैं नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनके रेलवे ट्रैक पुल वगैरह नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है नॉन मेटल्स में वी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड वॉयिंग पॉइंट ऑफ जैसेंग होती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और वॉयिंग पॉइंट भी क्या होता है कम होता है नॉन मेटल्स हैव लो टेंसिटी नॉन मेटल्स डो नॉट आर नॉट साउंड साउंड प्रोड्यूस नहीं करते नॉन मेटल है मैनी डिफरेंट कलर्स इनके बहुत सारे कलर होते हैं येलो ग्रीन ब्रोमिन रेड कलर का होता है ठीक है नेक्स्ट है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो आज हम यहीं तक करेंगे